everyone, my name is Ruman and I'm from Lifestyle Lamed, as you know. So in my previous video, I discussed about how did I lose 12 kgs weight in a span of 2 months. So आज मैं आपको बताऊंगी कि वो उन दिनों में मैंने क्या डाइट ली थी और मैंने क्या खाया था, क्या एक्सरसाइज की थी. सो हम वो सब डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज़ जो मैंने किया था, कोई चेंजेस नहीं है. तो आप भी वो कीजिए एंड अगर आप वो करते हैं तो होपफुली आप भी लूज़ करेंगे. सबका अपना अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, बट आई गारंटी यू इफ़ यू फॉलो यू विल डेफिनेटली लूज़. सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैं अपना दिन स्टार्ट करती 7 बजे, और 7 बजे सबसे पहले मैं क्या करती थी, मैं 2 ग्लासेस वाटर के लेती थी, लिक वॉर्म से थोड़ा ज़्यादा वॉर्म. तो उसमें मैं ऑप्शन था लेमन का और एप्पल साइडर विनेगर. तो आई वॉज़ वेरी लेजी तो मैं एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालती थी एंड अपना पानी ले लेती थी. एंड देन उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती थी. सो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सबसे पहला तो आप बहुत लेजी हैं, आपको कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप 2 बॉयल्ड एग्स तो कर सकते हैं ना. तो बॉयल्ड एग्स एंड उसके साथ आप कुकम्बर हाफ ले लीजिए. एंड अगर आपको बोर हो जाता है एग्स खा के एंड आपका मन नहीं कर रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी, तो आप उपमा ले सकते हैं, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, आप स्पिनिच ऑमलेट खा सकते हैं, आप स्क्रैम्बल एग ले सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप बोर नहीं होंगे, आप चेंज कर करके आप उसको खा सकते हैं. तो उसके बाद टाइम आता है एक्सरसाइज का. तो एक्सरसाइज के लिए जनरली मुझे आफ्टर बिफोर ब्रेकफास्ट टाइम नहीं मिलता था. तो मैं क्या करती थी, अपना ब्रेकफास्ट लेने के बाद, जैसे मैंने अपना ब्रेकफास्ट 8 o'clock लिया है, सो आई विल वेट फॉर 1 or 2 hours एंड देन उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती थी. सो एक्सरसाइज में मैंने बहुत कुछ आर्डन पास नहीं किया है, तो मैं क्या करती थी, हमारे कॉरिडोर में जो स्टेयर्स हैं मैं उनको अप एंड डाउन करती थी 60 times. तो स्टेयर्स इज़ लाइक अप एंड डाउन कम्स, आई यूज टू काउंट 1, एक बार काउंट करती थी एंड वैसे मैं 60 राउंड्स कर लेती थी. तो 60 राउंड्स करने के बाद मेरी बॉडी वार्म अप हो जाती थी अच्छे से. उसके बाद मैं एब बाइक करती थी, जिसके मैं 4 सेट्स करती थी एंड 20 times यू हैव टू डू लाइक दिस टुगेदर योर लेग्स एंड देन 20 times आई यूज टू डू. उसके बाद वो हो जाता था, फिर मैंने प्लैंक करना स्टार्ट किया, थोड़े थोड़े वेरिएशंस कर देती थी एक्सरसाइज में, जैसे कभी प्लैंक कर लिया, प्लैंक के साथ कभी आप स्क्वैट्स कर लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देती थी. बट मैक्सिमम मैंने स्टेयर क्लाइंबिंग की है. जब स्टेयर क्लाइंबिंग से थोड़ा सा लगा चेंज करना चाहिए, तो आई यूज़ टू डू स्किपिंग 500 times या तो वो स्किपिंग करती थी मैं. तो एक्सरसाइज हो जाता था 1/2 hour एंड दैट वाज डन फॉर द डे. और इवनिंग में थोड़ा टाइम मिलता था तो स्ट्रॉल कर लेती थी, वॉकिंग कर लेती थी. सो ऐसे हो जाता था, यस. एंड देन उसके बाद टाइम आता है लंच का. देखिए, अगर आपको लंच से पहले अगर भूख लग रही है तो आप एक एप्पल या फिर एनी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं बिफोर लंच, पर मैं नहीं लेती थी, मैं पानी पी लेती थी, मुझे लगता था बिकॉज मुझे वेट लॉस करना था, तो मैं नहीं खाती थी. और मुझे भूख भी नहीं लगती थी जनरली, काम में बिजी होती थी या फिर खाना बना रही थी तो टाइम नहीं मिलता था, नहीं लेती थी. तो लंच में मैं अपनी एक मल्टीग्रेन रोटी एंड उसके साथ कोई भी सब्जी, वेजिटेबल, और वेजिटेबल में मुझे सबसे ज़्यादा बिटर गर्ड, तोरी जो होती है, मुझे उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद थी. और मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में आई थिंक सबसे ज़्यादा वही खाई है. तो आप वो खा सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं, आप स्पिनिच की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, और एनी सब्ज़ी यू लाइक, एक भी सब्ज़ी कोई भी खाइए. आप उसके साथ एक कटोरी दाल ले सकते हैं, और आप कुकुम्बर रायता खा सकते हैं, चेंज कर करके वेरिएशंस कर सकते हैं. सैलड आप बहुत सारा लीजिए, उसके बाद आपका टमी हो जाएगा फुल. लंच इज सॉर्टेड. एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको लेनी है ग्रीन टी. ग्रीन टी अगर आपको नहीं लेनी है तो आप लीजिए जिंजर टी विदाउट शुगर, ओके, नो शुगर. सो विदाउट शुगर आप अपनी ब्लैक टी ले सकते हैं, और आप अपनी मिल्क टी अगर ले रहे हैं तो विदाउट शुगर लीजिए एंड टोन मिल्क यूज़ कीजिएगा. और इवनिंग का हो गया आपका, पानी नहीं भूलना है, पानी बीच में ज़रूर पीना है, पानी पीना मत छोड़िएगा. पानी बहुत हेल्प करता है वेट लॉस करने में, एंड इससे पहले मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, आई वॉज लाइक अ कैमल. सो पानी पीना इज़ लाइक अ टास्क फॉर मी,
पर वेट लॉस जर्नी में मैंने सीखा कि पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड स्पेशली वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, तो मत भूलिएगा प्लीज़। एंड देन आपको आ जाता है डिनर का टाइम। डिनर के टाइम में यूजुअली मैं अपना डिनर 7 से पहले कर लेती थी। एंड डिनर में मैं क्या लेती थी, मैं बहुत लेजी हो जाती थी, कभी कभी मैं सिर्फ फ्रूट बोल लेती थी, जिसमें पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या फिर वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गए, नहीं तो मिक्स ऑफ ऑल द फ्रूट्स। एंड अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं, आप एनी अदर सैलेड यू ऑफ योर चॉइस ऑफ वेजिटेबल आप ले सकते हैं। एंड देन आप एक सूप ट्राई कर सकते हैं, एक सूप बना सकते हैं, और आप सॉर्टेड वेजिटेबल खा सकते हैं, सॉर्टेड पनीर खा सकते हैं, एंड दैट्स इट। या एंड आफ्टर 7 डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, ओके, एंड यू हैव टू टेक वाटर। एंड येस, अगर आप अपनी हंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको फिर भी भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप मखाना, जो लोटस सीड होता है, आप वो खा सकते हैं, तो आप मखाना ले सकते हैं। एंड उसके बाद या गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग, चेक योर वेट, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे, एंड स्टार्ट इट विद अ बैंग अनदर डे विद द सेम पैटर्न। चेंज द डिशेज और ऑप्शन विच आई हैव गिवन फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग डिनर। यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली ऑफ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स एंड रीच योर गोल। या यू विल फाइंड इट द प्लेस यू वॉन्ट टू बी, द वेट यू वॉन्ट टू बी। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए कुछ वेट लॉस रेसिपी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो या बी हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।